Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 7, our school. हम स्कूल में क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, हमारा स्कूल जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे क्या सीखते हैं, वो नई नई चीज़ों को सीखते हैं, अलग अलग तरीके की वो एक्टिविटीज़ करते हैं, वहाँ पे वो म्यूजिक सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, डांस सीखते हैं, हमारे धर्म कल्चर और संस्कृति के बारे में जानते हैं। अ स्कूल इज अ प्लेस टू लर्न न्यू थिंग। स्कूल कैसी जगह है जहाँ पर हम नया सीखते हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स एंड डू डिफरेंट एक्टिविटीज इन द स्कूल। हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखते हैं, नई नई एक्टिविटी करते हैं। मॉर्निंग इन द स्कूल, सुबह सुबह हम स्कूल में क्या करते हैं, वी गो टू स्कूल टू स्टडी एंड लर्न। स्कूल में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और लर्न सीखते हैं। एट फर्स्ट, सबसे पहले वी सिंग प्रेयर, हम प्रार्थना करते हैं, एंड द नेशनल एंथम, और फिर नेशनल एंथम करते हैं। देन वी गो टू आवर स्कूल क्लास रूम, उसके बाद हम हमारे क्लास रूम में चले जाते हैं। वट वी लर्न इन द स्कूल, हम स्कूल में क्या सीखते हैं। इन द स्कूल वी लर्न अबाउट नंबर एंड अल्फ़ाबेट, हम नंबर भी सीखते हैं अल्फ़ाबेट भी सीखते हैं। ज़रूरी नहीं होता छोटे बच्चे सीखते हैं, बड़े बच्चे भी तो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, इंग्लिश को पढ़ते हैं, हिंदी को पढ़ते हैं, वहाँ भी तो अल्फ़ाबेट होते हैं। वी लर्न अबाउट आवर वंडरफुल वर्ल्ड, हम हमारे अद्भुत संसार के बारे में जानते हैं। वी लर्न अबाउट पीपल रिलीजन एंड कल्चर, हम हमारा धर्म लोग और संस्कृति के बारे में जानते हैं। वी ऑल्सो लर्न म्यूजिक डांस एंड पेंटिंग, हम म्यूजिक डांस और पेंटिंग भी सीखते हैं वहाँ पे। एक्टिविटीज इन द स्कूल, स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे हमारे गेम होते हैं, हम फुटबॉल, सीसा, एक्सरसाइज। वी डू डिफरेंट एक्टिविटीज इन स्कूल, वी प्ले इन द प्ले ग्राउंड ऑन सीसा, सीसा झूला होता है जिसपे एक तरफ बच्चा बैठता है, एक तरफ ये झुकेगी फिर ये ऊपर हो जाएगा, और जब ये नीचे आएगा तो ये गुड़िया ऊपर हो जाएगी। वी प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ गेम लाइक फुटबॉल, हॉकी, खो खो, वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन इन आवर स्कूल। वी ऑल्सो डू सम एक्सरसाइज इन द स्कूल, हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, खो खो खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। सेलिब्रेशन इन द स्कूल, हमारे स्कूल में सेलिब्रेशन भी होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, एनुअल डे मनाया जाता है, टीचर डे मनाया जाता है, नेशनल फेस्टिवल होते हैं ये हमारे स्कूल के। उसके बाद आता है हमारा स्पोर्ट्स डे। सबसे पहले स्पोर्ट्स डे में हम क्या सीखते हैं, इसमें अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं जिस एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट करते हैं। एनुअल डे क्या होता है, हमारे स्कूल में प्रोग्राम होते हैं बहुत सारे जिसमें बच्चे डांस करते हैं, म्यूजिक करते हैं, ड्रामा करते हैं। इसके बाद आता है टीचर डे, टीचर डे पे क्या करते हैं हम, टीचर डे 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। इट इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर अवर टीचर्स, ये हमारे टीचर को सम्मान देने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है चिल्ड्रन डे जो 14 नवंबर को मनाया जाता है। चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर एवरी ईयर, हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था। नेशनल फेस्टिवल, वी ऑल्सो सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल लाइक रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती, इनको तो बोला जाता है नेशनल फेस्टिवल। इसके बाद आते हैं गुड मैनर्स इन स्कूल, वी ऑल्सो लर्न गुड मैनर इन स्कूल, सम गुड मैनर आर गिवन बिलो, नो डैमेज फर्नीचर एंड अदर थिंग्स, हम स्कूल में क्या क्या सीखते हैं, हमारी चीज़ों को फर्नीचर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, नोट राइट ऑन द वॉल ऑफ अवर स्कूल, हमारे स्कूल की दीवार पे नहीं लिखना चाहिए, नोट लीटर अवर क्लासरूम, हमारे क्लासरूम को गंदा नहीं करना चाहिए, नोट प्लक फ्लावर, फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, एंड लीव्स फ्रॉम द गार्डन ऑफ अवर स्कूल, और हमारे स्कूल में जो पेड़ पौधे लगे हुए उसके गार्डन की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। रेस्पेक्ट एंड ओबे अवर टीचर्स, और हमारे टीचर्स का क्या करना चाहिए, हमें रेस्पेक्ट आदर करना चाहिए और ओबे कहना मानना चाहिए। Now we are doing exercise. A school is a place to learn. We should respect and obey our teachers. Pandit Jawaharlal Nehru birthday is celebrated as Children's Day. We should not write on the walls. हम दीवारों पे नहीं लिखना चाहिए। Next आपकी question answer. Why do you go to school? We learn a lot of things in school. अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो, टू स्टडी एंड लर्न न्यू थिंग्स, आप इसको भी रिटर्न कर सकते हो। आपके दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड, टीचर डे कब मनाया जाता है, 5 सितंबर। हाउ डू यू सेलिब्रेट एनुअल डे इन योर स्कूल, आप एनुअल डे कैसे मनाते हो। ऑन एनुअल डे वी टेक पार्ट इन डिफरेंट प्रोग्राम, हम अलग अलग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं इससे ज़्यादा बड़ा लिखूंगी तो छोटे बच्चे उसको कर नहीं पाएंगे। राइट द नेम ऑफ नेशनल फेस्टिवल, हमारे नेशनल फेस्टिवल कौन से होते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और आप गांधी जयंती, ये आपके
नेशनल फेस्टिवल है। इसके बाद यहाँ पे मेक अ टाइम टेबल दैट यू फॉलो एवरी डे इन योर स्कूल। स्कूल का एक टाइम टेबल बनाना है जिसको आप फॉलो करते हो। और इसके बाद हैव यू एवर पार्टिसिपेट, क्या आपने कभी एनुअल डे में पार्टिसिपेट किया है, उससे रिलेटेड आपको कुछ लाइनें लिखनी है। और यहाँ पे है आपको खुद से करने के लिए राइट सम गुड मैनर दैट यू हैव लर्न इन योर स्कूल, कि आपने अपने स्कूल में क्या क्या चीज़ें सीखी है। ये था आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।